हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की मेरी वीडियो, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपको मैं बताऊंगी आपकी इन ट्रांजैक्शंस पर रहती है आयकर विभाग की नज़र। जी हाँ, कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जिन पर इनकम टैक्स की नज़र रहती है, मतलब आईटी डिपार्टमेंट को पता होता है आपने इतने अमाउंट की ट्रांजैक्शंस की हैं। तो आपको मैं इस वीडियो में बताऊँगी कौन सी हैं वो ट्रांजैक्शंस, कैसे पहुंचती है उनकी डिटेल आईटी डिपार्टमेंट तक, और आप कैसे देख सकते हैं कि क्या आपके नाम पे भी कोई ऐसी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट हुई है इनकम टैक्स ऑफिस में। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं, जुड़े रहे इस वीडियो के साथ, एंड तक देखिएगा, जानिएगा कौन सी हो सकती हैं वो ट्रांजैक्शंस और आईटी ऑफिस को कैसे पता चलता है और आपको कैसे देखनी है। तो अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप देख रहे हैं सीए गुरुजी और मैं हूँ आपकी दोस्त पूजा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है मेरे सामने लिस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस, वन बाय वन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ताकि आप पहले ही अवेयर रहें कि कौन सी वो ट्रांजैक्शंस है, ट्रांजैक्शन करने से पहले आपको पता हो। एग्रीगेट कैश डिपॉजिट ऑफ रुपीज़ 10 लाख और मोर इन अ ईयर इन अ सेविंग बैंक अकाउंट। तो अगर आप अपने किसी सेविंग बैंक अकाउंट में 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा का कैश डिपॉजिट करते हैं, उसका एग्रीगेट मतलब उसका टोटल देखा जाता है, और अगर टोटल 10 लाख से ज़्यादा है तो रिपोर्ट किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है, वो होती है एनुअल इन्फॉर्मेशन रिटर्न, जो कुछ स्पेसिफाइड पर्सन्स को, जैसे बैंक्स को या फिर शेयर एजेंसीज वगैरह को, रिपोर्ट करनी होती है इनकम टैक्स ऑफिस को हर एक फाइनेंशियल ईयर के बाद। तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल देती हूँ। इफ़ यू हैव 2 सेविंग बैंक अकाउंट विद बैंक ए, तो एक बैंक है उसमें आपके 2 सेविंग बैंक अकाउंट हैं। यू डिपॉजिटेड रुपीज़ 5.5 लाख कैश इन ईच सेविंग बैंक अकाउंट, तो आपने 5.5 लाख हर एक अकाउंट में कैश जमा कराया है, तो इट विल बी रिपोर्टेड इन एनुअल इन्फॉर्मेशन रिटर्न। जी हाँ, क्योंकि हमने यहाँ बात की थी एग्रीगेट की। तो अगर दोनों अकाउंट में आपने 5.5 लाख जमा कराए हैं, तो दोनों का टोटल 10 लाख से एक्सीड हो रहा है, तो उसे बैंक रिपोर्ट करेगा इनकम टैक्स ऑफिस को। तो ये था पहला ट्रांजैक्शन। सेकेंड है एग्रीगेट फिक्स डिपॉजिट ऑफ रुपीज़ 10 लाख और मोर इन अ ईयर इन सेविंग बैंक अकाउंट। तो बिल्कुल कैश डिपॉजिट की तरह ही, अगर आपकी फिक्स डिपॉजिट्स भी 10 लाख से ज़्यादा हो जाता है एग्रीगेट अमाउंट, मान लीजिए आपकी FDs हैं 2-2 लाख की, 5 FDs हैं, तो पाँचों का अमाउंट हो गया 10 लाख, तो 10 लाख की जो आपकी FDs हैं वो रिपोर्ट की जाएंगी एनुअल इन्फॉर्मेशन रिटर्न में। पर यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि अगर आपकी FD रिन्यू हो रही है किसी साल में, तो रिन्यूअल और री इन्वेस्टमेंट को एक्सक्लूड किया जाएगा। मतलब नई FD अगर आपने कराई है 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा की, वो रिपोर्ट की जाएंगी, पर अगर रिन्यूअल है या री इन्वेस्टमेंट है तो वो रिपोर्ट नहीं होगा। अब है हमारा थर्ड ट्रांजेक्शन, क्रेडिट कार्ड पेमेंट ऑफ रुपीज़ 10 लाख और मोर इन अ ईयर। तो अगर आप कि अपने क्रेडिट कार्ड से 10 लाख या उससे ज़्यादा की पेमेंट करते हैं पूरे साल में, वो भी रिपोर्ट की जाती है इनकम टैक्स ऑफिस की। इसके साथ ही एक चीज़ और रिपोर्ट होती है क्रेडिट कार्ड के लिए, यहाँ पे पढ़ लेते हैं, क्लैरिटी आएगी आपको। अनदर कंडीशन रिलेटेड टू क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट थ्रू कैश इज इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 अप्रैल 2016। इफ़ योर क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट थ्रू कैश एक्सीड रुपीज़ 1 लाख, जी हाँ, अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड बिल की पेमेंट 1 लाख से ज़्यादा कैश में कर देते हैं किसी साल में, तो वो भी रिपोर्ट की जाती है बैंक के थ्रू इनकम टैक्स ऑफिस को। एग्जांपल लेते हैं, इफ माय क्रेडिट कार्ड पेमेंट या स्पेंड्स ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 17-18 इज 2 लाख, तो मैंने 2 लाख का खर्चा किया क्रेडिट कार्ड का, बट आउट ऑफ दिस क्रेडिट कार्ड बिल ऑफ 2 लाख, तो मेरे पास 2 लाख का क्रेडिट कार्ड का बिल आया जिसकी पेमेंट के लिए मैंने 1.5 लाख कैश में पेमेंट कर दी, तो अब जो मेरी 1.5 लाख की कैश पेमेंट मैंने क्रेडिट कार्ड के लिए की है वो जाएगी एनुअल इन्फॉर्मेशन रिटर्न में, बेशक ट्रांजेक्शन की वैल्यू 10 लाख से कम भी थी। तो ये है इंपॉर्टेंट क्रेडिट कार्ड के लिए। फिर है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज़ 10 लाख और मोर। तो अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं पर अगर वो 10 लाख या उससे ज़्यादा हो जाती है किसी साल में, तो वो भी इनकम टैक्स ऑफिस को रिपोर्ट की जाती है। देन इफ़ यू परचेज बॉन्ड्स और डिबेंचर्स, तो अगर आप बॉन्ड्स या डिबेंचर्स जो है 10 लाख या उससे ज़्यादा के पूरे साल में परचेज करते हैं, वो भी रिपोर्ट किए जाते हैं इनकम टैक्स ऑफिस को। देन पेमेंट ऑफ रुपीज़ 10 लाख और मोर फॉर एक्वायरिंग शेयर्स ऑफ कंपनी थ्रू इट्स पब्लिक और राइट इशू, तो अगर आप 10 लाख से ज़्यादा के शेयर परचेज करते हैं, चाहे पब्लिक या राइट इशू से या फिर बायबैक से भी परचेज करते हैं, तो वो भी रिपोर्ट किए जाते हैं इनकम टैक्स ऑफिस को। फिर
एक और इम्पॉर्टेंट है परचेज और सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वर्थ रुपीज 30 लाख और मोर, बहुत इंपॉर्टेंट है 30 लाख से ज़्यादा की परचेज या सेल इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिपोर्ट की जाती है इनकम टैक्स ऑफिस को। जी हाँ, यहाँ पर प्रॉपर्टी कौन कौन सी है बता देती हूँ आपको। उसमें लैंड हो सकता है, प्लॉट हो सकता है, बिल्डिंग, कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो सकती है। ऑल्सो नोट दैट इफ प्रॉपर्टी इज जॉइंट प्रॉपर्टी देन द लिमिट ऑफ 30 लाख इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी वैल्यू। तो यहाँ पर समझ लेना ज़रूरी है, मान लीजिए आपने 30 लाख की एक प्रॉपर्टी खरीदी जो है जॉइंट नेम में आपके और आपके स्पाउस के, मैंने यहाँ एग्जांपल भी लिखा है, तो आप लोगों ने 50-50% का शेयर उसमें दिया, 15 लाख आपने दिया, 15 लाख आपके स्पाउस ने दिया। तो ऐसा नहीं है कि ये माना जाएगा कि 15-15 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी है, नहीं, प्रॉपर्टी की वैल्यू 30 लाख ही मानी जाएगी और ये दोनों की एनुअल इन्फॉर्मेशन रिटर्न में ये प्रॉपर्टी शो होगी क्योंकि प्रॉपर्टी की वैल्यू है 30 लाख। फिर एक चीज़ और बता देती हूँ, मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी का सर्कल रेट है 30 लाख पर आपने उसे खरीदा है 28 लाख में, तो क्या आपकी एनुअल इन्फॉर्मेशन रिटर्न के थ्रू ये रिपोर्ट होगा? जी हाँ, रिपोर्ट होगा क्योंकि प्रॉपर्टी की वैल्यू तो 30 लाख है, वेदर आपने 28 लाख में या उससे कम में खरीदी हो। तो इस तरह से आपकी प्रॉपर्टी भी रिपोर्ट की जाएगी एनुअल इन्फॉर्मेशन रिटर्न में 30 लाख या उससे ज़्यादा होने पर। परचेज ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बॉन्ड्स अमाउंटिंग इन द एग्रीगेट 2 रुपीज़ 10 लाख और मोर, तो अगर आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स परचेज कर रहे हैं जिसका अमाउंट है 10 लाख या उससे ज़्यादा का, तो वो भी AIR में आता है। नेक्स्ट है रिसिप्ट ऑफ कैश पेमेंट एक्सीडिंग 2 लाख फॉर सेल, तो अगर आप किसी पर्सन से 2 लाख रुपए कैश में रिसीव करते हैं सेल के अगेंस्ट, तो वो भी रिपोर्ट करना होता है एनुअल इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट में। वो कैसे जाता है? अभी तक की जो ट्रांजेक्शन्स थी वो या तो आपका बैंक या फिर शेयर ट्रेडिंग एजेंसी या फिर म्यूचुअल फंड एजेंसी रिपोर्ट करती हैं, पर यहाँ पर ये वाली ट्रांजेक्शन कैसे रिपोर्ट होगी? जो पर्सन ऑडिट के लिए लाइबल होता है उसे अपने ऑडिट रिपोर्ट में ये ट्रांजेक्शन दिखानी होती है। अगर किसी ने किसी से कैश रिसिप्ट ली होती है 2 लाख से ज़्यादा की सेल की अगेंस्ट, तो इस तरह से वो रिपोर्ट होती है एनुअल इन्फॉर्मेशन रिटर्न। अब आपने जान लिया कि वो ट्रांजेक्शन्स क्या हैं और वो कैसे इनकम टैक्स ऑफिस तक पहुंचती हैं। अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि आप कैसे देख सकते हैं कि क्या आपके नाम पे भी कोई ऐसी ट्रांजेक्शन्स तो नहीं आ रही हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। ट्रांजेक्शन्स को देखने के लिए आपको अपना 26AS चेक करना है। 26AS चेक करने के लिए मैंने इनकम टैक्स की वेबसाइट खोली हुई है, ये इनकम टैक्स इंडिया efiling.gov.in वेबसाइट है। यहाँ से मैं अपना अकाउंट पहले लॉगिन कर रही हूँ। अकाउंट मैंने अपना लॉगिन कर लिया और अब मैं अपने माय अकाउंट में जाके व्यू फॉर्म 26AS पे क्लिक कर रही हूँ। क्लिक करते ही मुझे ये नेक्स्ट पेज पर लेके जाएगा, कंफर्म कर लेना है हमें। अब हमें इस चेकबॉक्स पे भी टिक करना है और क्लिक कर लेना है प्रोसीड पे। प्रोसीड पे क्लिक करते ही अब मुझे यहाँ पर जो आ रहा है क्लियर टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS, मुझे इस पे क्लिक करना है और अब मुझे जिस भी असेसमेंट ईयर का फॉर्म 26AS देखना है मैं उसे चूज़ कर लेती हूँ। मैं जब पर असेसमेंट ईयर 18-19 का चूज़ कर रही हूँ, व्यू एज HTML कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर इसे ओपन कर लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, आपको चले जाना है नीचे, यहाँ पर दिखाई देगा आपको पार्ट ई। तो यहाँ पर ये होता है पार्ट ई, ये आप देख सकते हैं पार्ट ई डिटेल ऑफ AIR ट्रांजैक्शंस, ये होती है डिटेल ऑफ एनुअल इन्फॉर्मेशन रिटर्न ट्रांजैक्शन। अगर आपके नाम पे कोई ऐसी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट की हुई होगी तो वो आपके 26AS में पार्ट ई में यहाँ पर शो होगी। आपको पता चल जाएगा कि क्या कोई ऐसी ट्रांजैक्शन आपके नाम पे दिखाई गई है। मेरे केस में यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है, पर अगर किसी पर्सन के केस में होगी तो वो ट्रांजैक्शंस यहाँ पर दिखाई देंगी। आई होप अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कौन सी ट्रांजेक्शन्स आपकी जाती हैं इनकम टैक्स ऑफिस के पास डायरेक्टली किसी और पर्सन के थ्रू और आप उन्हें कैसे देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हिट द लाइक बटन, अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लग रही है तो प्लीज़ शेयर विद अदर्स ऑल्सो, एंड अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।